विद्या एक काम कर, इन्हें श्यामलाल की तस्वीर भेज दे। खराब हो गया है क्यों? श्यामलाल भाई साहब ने शादी करनी है या लड़की गोद लेनी है? मैं जानता हूँ ये शादी नहीं हो सकती, लेकिन क्या करूँ, आदमी इतना खड़ूस है, अगर ये काम नहीं होगा ना तो पैसा वापस लेगा। बात तो ठीक है, अच्छा मैं ये चिट्ठी भेज देती हूँ। दुखी राम, तेरी बेटी के लिए शहर के सबसे अमीर आदमी की तस्वीर भेज रहा हूं। इसे दहेज नहीं, केवल पत्नी चाहिए। अगर पसंद हो तो बात आगे बढ़ाऊं। बेटी। हाँ बापू। ये तस्वीर देख बेटी, क्या तुझे वर पसंद है? बापू, पसंद ना पसंद की क्या बात है, ये बात तो उनकी होती है जिनको दहेज में भारी रकम देनी होती है। और आपको तो मालूम है मैं गरीब की बेटी हूँ, मांग में सिंदूर भर के चली जाऊंगी, और पति जैसा भी हो आप जो ठीक समझे। सुनती हो, ये तस्वीर देख लो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। फैसला करने से पहले आप अपने दिल में झांक कर देखिए, क्या आपकी आत्मा गवाही देती है कि ये वर चांदनी के योग्य है? आत्मा तो इनकार कर रही है, मगर क्या करूं, गरीब की बेटी है, इससे शादी करने वाले में कोई ना कोई कमी तो जरूर होगी। इतना बड़ा घर तो किस्मत वालों को ही मिलता है, तेरी बेटी राज करेगी, कीमती जेवरात तेरी बेटी के गले में होंगे, नौकर चाकर, दुनिया की हर खुशी तेरी बेटी के कदम चूमेंगे। अब जब आपने फैसला कर ही लिया है तो मुझसे सलाह लेने की क्या जरूरत है? अरे इनकी तो सुहाग रात है, इन्हें क्यों परेशान करते हो? हाँ इसकी सुहाग रात है, चलो 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 चलो, अरे चलो हम भी मनाएंगे यार, चलो शलाल ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ओ हम भी सुहाग रात मनाते हैं, चल। तो तुम चांद से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। यार मेरी समझ में ये नहीं आता कि पिताजी को इस उम्र में इतनी छोटी लड़की से शादी करने की क्या सोची है? ये क्या कर रहे हो? आज सुहाग रात है। मुझे शर्म सुहाग रात में दुल्हन शर्माती नहीं है। आ, मेरे पास आ। कर रहे हो? दरवाजा खुला हुआ है। अरे आप कौन देखेगा, जा दरवाजा बंद करके आ जाओ, जाओ। Thank you.
इसे भूल जाओ और सो जाओ, मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। अरे सुनो तो सही, क्यों लाइट ऑफ कर रही हो? कहाँ जा रही हो? छोड़ो। क्यों, क्या हुआ? आज सुहागरात हमारी नहीं, तुम्हारे बाबूजी की है। अरे बाबूजी की है तो क्या हुआ, हम भी तो जवान हैं, हम भी तो हर रोज सुहागरात मना सकते हैं। चलो बस हुआ। अरे कहाँ जा रही हो, आओ ना। मुझे चांदनी के बारे में सोचकर बहुत तरस आ रहा है। भगवान किसी को इतनी गरीबी न दे कि उसे श्यामलाल जैसे बूढ़े के साथ शादी करनी पड़े। गरीब इंसान का सबसे बड़ा ख्वाब होता है दौलत। देख लेना, दौलत मिलने के बाद चांदनी ये महसूस नहीं करेगी कि उसने किसी बूढ़े के साथ शादी की है। आप चाहे कुछ भी कहें, मुझे तो उस पर बहुत तरस आ रहा है। आ रहा है ना, चाय पी ले। को इतनी जोर से चिल्ला रहा है, जानता नहीं बाबूजी की नई नई शादी हुई है। हाँ दीनू काका, मेरे चिल्लाने का और नई नई शादी होने का क्या मतलब? मूर्ख तू रहेगा उल्लू का उल्लू। सुन, जिनकी नई नई शादी होती है वो देर तक सोते हैं, और तेरी आवाज सुनकर बाबूजी की नींद खुल गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। दीनू काका मुझे ये बताइए कि नई नई शादी होती है ना तो देर तक क्यों सोते हैं? अच्छा एक बात बता, तेरी शादी हुई है? नहीं नहीं। अरे फिर तेरा कोई कसूर नहीं भाई, तेरे को कैसे पता चलेगा, है ना? बराबर। तू एक काम कर, तू जाकर अपने पिताजी से पूछ, उनकी तो शादी हुई होगी ना, वो तुझे सब ठीक से समझा देंगे। चल जल्दी से दूध दे। अच्छा अच्छा संभाल। मिल गई यार, मिल गई। कौन मिल गई? ओ मिल गई यार। अरे लेकिन कौन? अरे वही यार। अरे वही कौन? अरे वही कौन? अरे मैंने तुझे कहा था ना मेरे सपनों की मलिका। हाँ। अरे यार वो मिल गई, आ मैं दिखाता हूँ तुझे। अरे आना यार, आना। अरे रुक, अरे रुक रुक। यार सूरज, मैं तुझे कहता था ना मेरे ख्वाबों की मलिका, वो देख। है कहाँ है? अरे कमाल है चांद, मैंने तुझसे कितनी बार बोला है कि ख्वाब मत देखा कर। अरे कभी तो ख्वाब देखना बंद कर यार। चल अभी चल, जब देखो तब ख्वाब देख कर रहता है। बाबूजी आपने शादी कर ली और हमसे पूछा तक नहीं? मुझे मालूम था एक न एक दिन ये सवाल तुम मुझसे जरूर करोगे, लेकिन सच बात तो यह है कि शादी मैंने ऐश करने के लिए नहीं, मजबूरी में की है। चल।
अरे अपने पड़ोस में रहता है। अच्छा हाँ। फिर तो जरूर हम इससे मिलने जाएंगे। अरे उसके घर क्यों जाना है, उसे अपने घर पे खाने पे बुलाते हैं ना। ओ। अरे वाह, खाना बहुत अच्छा बना है। श्यामलाल जी किसने बनाया खाना? हमारी बीबी चांदनी ने। क्या ये आपकी बीबी है? हाँ। जी अभी अभी हमारी नई नई शादी हुई है। अरे श्यामलाल जी आपने शादी की और पड़ोस में इस बात का किसी को पता भी नहीं? अगर आप हमें अपनी शादी में बुलाते तो आपकी शादी में एक सुंदर सा शेरा जरूर गाता। एक काम करिए, एक सुंदर सा शेरा बना ही दीजिए, हम दूसरी शादी कर लेंगे। अच्छा श्यामलाल जी चलता हूँ। अच्छा, इस स्वादिष्ट खाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अदा तो हमें आपका करना चाहिए जो आपने हमारे साथ खाना खाना कबूल किया। इस खाकसार के लिए कभी कोई खिदमत का मौका हो तो जरूर बताइएगा। फिलहाल तो आप एक ऑटोग्राफ दे दीजिए हमें। अरे इस पे ऑटोग्राफ नहीं होते, अच्छी सी बुक पे होते हैं। हम आपके लिए अच्छी सी बुक खरीद लेंगे। अच्छा श्यामलाल जी चलता हूं। नमस्ते। अच्छा जी। बड़ा होनहार लड़का है।